देखना इस दफा रेस में हमारा ही गधा जीतेगा। लेकिन बॉस, इस दफा तुम्हारा मुकाबला राधे मोहन से है। जा ठोक दे साले के मुंह में 12 इंच का गोला गंडा। ओके बॉस। क्या सोच रहा है बबलू? यार मैं सोच रहा हूँ राधे का गधा क्या इस बार भी जीत जाएगा? जीत जाएगा अपने राधे, जीत जाएगा यार। अरे नहीं यार, राधे का गधा राधे की तरह बहुत कमजोर है यार। कथा तो हमें भी है, जैसे राधे ऐसी उसका गधा है। बस दुआ कर यार तू। सिगरेट तो दे यार। तेरे पास नहीं है? नहीं है। वैसे तेरी मांगने की आदत जाती नहीं है। छोड़ना यार, छोड़ना यार। लाइटर ये ले। लाइटर नहीं है। लाइटर कल गिर गया तो तू भी गिर जाना किसी गटर में। राधे एक बात तो बता। पूछ। तेरी खूबसूरती का राज क्या है? सुबह सुबह निहार मुँह लांते खाता हूँ। एक बात तो बतला। पूछ। ये दूध पीने से क्या होता है? रंग गोरा होता है। अबे ये भैंस का बच्चा इतना काला क्यों होता है? छोड़ना यार। राधे भैंस के बच्चे से ही पूछ लेना। ये तो हाथी का है। मेरे सवाल का जवाब दो। एक बात बता। मीनारे पाकिस्तान किसने बनाया? नहीं पता। मिस्त्रियों ने? बहुत अच्छे। तू क्या समझ रहा है, दर्जियों ने बनाया? राधे हाँ। मरने के बाद मोबाइल किसको देगा? अपनी बीवी को। नंबर मुझे दे दियो। छोड़ना यार, तुमको मजाक के अलावा कुछ आता ही नहीं है। राधे
असलम निकल पकड़ा इन्हें। बहुत डरपोक है यार तू, भागा क्यों? भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगोड़े खानदान से हूँ। वो आ गए। मैं क्यों डरा रहा है यार? पूरा पियो, पूरा पियो, शाबाश बेटा। गफार के घर में पड़ गया छापा, भाभी मुझे दो चाय पापा। और ले लो ना, और दो चार हाथ और है ना, तो और ले लो ताकि मोहल्ले में जाके चिचोरा बन कर सको। क्या किया है मैंने? क्या किया तुमने? भंगियों ने बिला वजह हड़ताल की है, और वो राजेश, राजेश के साथ पूछो क्या किया इसने? क्या किया है? उसका जारबुन लटक रहा था, मैं खींच के भागा हूं। बस बस उसे देखकर पूरी बस हंस रही थी, और अगर इसका बस चलता ना तो ये उस पर टिकट लगा देता। अरे छोड़ दे इन बातों को, लो पेट भर के खाओ तुम। पेट पेट है इसका? कमर के फौरन बाद कूले शुरू हो जाते हैं, और माँ ने इसको इतना खिलाया उसके बावजूद भी इसके जिस्म पे एक बोटी नहीं चढ़ी। मुझ पे बोटी कैसे चढ़ती? मैं पैदा ही मंगल वाले दिन हुआ था, और मंगल को गोश्त का नाका होता है। कैसे हो जाए मेरी आंखों के सामने से? ये आपके पापे और ये आपकी चाय।
बेटा तू पी, पूरा जूस पी। राधे रुक। तू क्या समझता है, देखा नहीं है मैंने तुझे? राधे रुको। आपने भी देख लिया, ये लो भाभी। राधे बस भाभी, खत्म हो गए पापे। आपने अच्छा नहीं किया राधे के साथ। मैंने राधे के साथ अच्छा नहीं किया? तुम्हें मालूम है कि राधे ने सुबह मेरे साथ क्या किया? क्या किया? सुबह मैंने उसको कहा कि मुझे लोटे में पानी दे दो, तो वो गीजर का खोलता हुआ गर्म पानी ले आया। वो तो शुक्र करो अल्लाह का कि मैं पुलिस वाला हूं, वरना ना तो तुम्हें शक्ल दिखाने के काबिल रहता और ना डॉक्टर को। ए, इतनी सिगरेट मत पिया कर, किसी दिन गटर में पड़ा होगा। हिरोंची के बच्चे डाल लाइटर के। भाई मेरा तो आज कॉलेज का फर्स्ट डे बहुत अच्छा रहा। राधे वो देख नया पीस। इसे क्यों बतला रहा है, ये क्या दर्जी है? लड़का है ना, कौन सा? वो मेहरून शर्ट वाला। हाँ, मेहरून शर्ट वाला, वो एक नंबर का टपोरी लड़का है। और आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ता है। कोई कुछ कहता नहीं उसे? कोई उसको कुछ क्या बोलेगा, कोई अगर उसको कुछ बोलते है तो वो उसके ऊपर गंदा गटर का पानी फेंक देता है। छी, बहुत ही गंदा गलीस लड़का है। वहाँ नीचे देख के चलो। सुनिए जी, टिकटॉक हीरोइन आउट। रुको, आप नहीं आई हो? जी मुझे जानती हो? नहीं। पूरा मोहल्ला मुझसे मेरी बहन का नंबर मांगता है। जी इस मोहल्ले का सबसे बदतमीज आदमी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? निर्जरा। निर्जरा का मतलब? मालूम नहीं। किसने रखा तुम्हारा नाम? अम्मा ने रखा था। कल अपनी माँ से पूछ कर आना। सर अम्मा तो मर गई। किस पर? मेरा मतलब है वो दुनिया से चली गई। बाप तुम्हारा गंदा है ना? जी उसे भी मार दो। जी वो दुनिया में रह के क्या करेगा? कल अपने बाप से पूछ कर आना। ठीक है। ये क्या है? सर ये नोटबुक है। दादे इंग्लिश में होगी? छोड़ना है। ये क्या है? सर ये झाड़ू है, इससे मुझे याद रहता है कि मैं जमादार की बेटी हूँ। अच्छा तो तुम भंगन हो? जी भंगन हूँ। ये क्या है? ये खाने का डब्बा। ओ पकोड़े। पकोड़े मुझे बहुत पसंद है। तुम ये मत समझना कि मैं बंगाली का बच्चा हूँ। राधे पकोड़े को खिला दे। छोड़ना यार। राधे तुम्हें दिखा ना क्या हो गया, देना आधे। जा रहे यार टाइटन। अबे दादा मत था, अल्सर हो जाएगा। बाबा मैं क्या कर रहा है? अबे ओए बुक। नहीं नहीं सर उससे नहीं करें, इस तरह तो आप और भी मनहूस हो जाएंगे। ये पानी की बोतल इससे साफ कर ले।
सुनो, आते जाते मेरे मुंह पे थूकते हुए जाना। ठीक है सर, थूक कर जाऊंगी। सर मेरा डब्बा। अबे राधे, इसमें है अभी दो तीन। रुकिए, झाड़ू एक से दो हो जाना, एक इसे दे देना। चाचा चाकू चाहिए, दरा मार रहे हो। ये नहीं, तुम मार ले। चाचा चाय तो पिला दे, बन रही है। निर्जरा बेटा चाय ले क्या? वो आ गई मेरी बेटी। आ गई बाबा। ये लो बाबा। निर्जरा का क्या मतलब होता है? ये हंसना होता है, लालत है तेरी शक्ल पे। निर्जरा का मतलब होता है किसी गरीब का चार्जर चुराना। बकवास बंद कर। निर्जरा का मतलब होता है खूबसूरत जमादारनी। अच्छा बेटा, जब वो रोड पे झाड़ू लगाती है ना, राह चलते लोग भी ना सांस को रोक लेते हैं यूं। चाचा ये सांस तो ना रुकी, तुम्हें कब्ज हो गई है। अच्छा तो बाबा मैं समझ गई, निर्जरा का मतलब होता है प्रिंसेस, क्वीन, ब्यूटीफुल, है ना? ब्यूटीफुल, हाउसफुल, गटरफुल। ये भंगी फैमिली ना अंग्रेज फैमिली हो गई है। क्या मतलब है अंग्रेज फैमिली? अरे छोड़े ना, आज छुट्टी के दिन भी आप काम लेके बैठ गए। आपको पता है आज राधे की सालगिरह है। ओहो अच्छा, तो आज राधे मियाँ की एजाद का दिन है। ऐसा करते हैं आज बाहर चलते हैं, बाहर चल के खाना खाते हैं, केक काटते हैं और बहुत सारी मोमबत्तियां जलाते हैं। आज उसकी सालगिरह पर मोमबत्तियां नहीं अगरबत्तियां जलाएंगे और केक की जगह पपीता काटेंगे, खाने की जगह चने बांटेंगे। चने क्यों? तुमको मालूम है कि इसकी सालगिरह का दिन और माँ की बरसी का दिन एक ही है। असल में जिस दिन ये पैदा हुआ था ना, तो उसकी पैदाइश पर मेरी माँ मर गई थी। छोड़े ना, इस खुशी के मौके पर आप क्या बातें लेके बैठ गए। चलते हैं। पिंकी, पिंकी बेटा। जी पापा। बेटा जाओ चाचू को उठाओ। क्यों, फोन है देना उन्हें। नहीं बेटा उन्हें उठाओ, चलते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। चले पिंकी, आप रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, चले आप भी उठे, रेडी हो जाए। चले आप लोग तैयार हो, मैं आता हूँ।
बैठो। अच्छा तो तुम बरकत मसीह की बेटी हो? जी हाँ, हम खानदानी भंगी हैं। बाबा कहते हैं कि हम सदियों से आसपास के गटर साफ करते हैं। देखो मुझे मेरे खानदान के बारे में नहीं पता। मेरे नाना बहुत बड़े चोर थे और मेरे दादा उससे भी बड़े चोर थे, लेकिन पर इतना ज़रूर जानता हूँ, पता है एक दफ़ा मस्जिद से पंखा चोरी करते हुए पकड़े गए, फिर पूरे मोहल्ले वालों ने उसका मुंह काला करके गद्दे पे बिठा दिया। इसीलिए आपकी शक्ल चोरों से मिलती है? क्या हुआ सर? वो मेरी आंख में सुअर का बाल चला गया। वो तो आपका अपना ही हुआ ना। ये क्या है? ये खाना है सर। खाना बहुत अच्छा है। वैसे सर ये खाना खराब हो गया था, बहुत बदबू मार रहा था। मैंने सोचा कि अपने कुत्ते को डाला हूं, लेकिन अच्छा हुआ कि आप मिल गए। अच्छा ये बताओ, निर्जरा के नाम का पता किया? निर्जरा, कहते हैं भंगनों में सबसे खूबसूरत लड़की को कहते हैं निर्जरा, ब्यूटीफुल। जब वो सड़कों पर सफाई करती है तो ऐसा लगता है जैसे घर के किसी कालीन को साफ कर रही हो, उसे कहते हैं निर्जरा। खाना भी बहुत अच्छा है और तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है। सर आपका भी नाम बहुत अच्छा है, राधे मोहन। तो अब मैं जाऊं? सर छब्बीस है। हमें इस घर के मालिक से मिलना है। इस घर के मालिक से मिलना है? इस घर के मालिक तो मेरी बीवी का शौहर है, यानी कि मैं खुद हूँ। दरअसल हमें राधे सर से मिलना है। राधे सर से मिलना है, मतलब पूरे राधे से नहीं मिलना? जी। अच्छा अच्छा, चलें बुलाता हूँ। राधे, राधे मियाँ, देखो बाहर कौन आया है। थैंक यू। कभी अच्छे सोफे पे बैठी तो होगी नहीं तुम। जी असलम, पानी तो ला दो।
आप पानी पियेंगी? हाँ। अभी लाता हूँ। मिनरल वाटर है ये? मिनरल वाटर? संभल के पीना, 60 रुपए की दो हैं। अच्छा, तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए ये पी के। क्यों? तो गंदे नालियों के पानी पीती हो ना तुम। हाँ, हम गंदी नाली में रहते हैं, गंदा पानी पीते हैं, और ये इतना महंगा और अच्छा पानी ना, तुम ही पियो, हमें नहीं पीना। ये लो, आ गया मैयत को गुसल देने वाली औरत का बच्चा। तू है सर? इसके जैसे बच्चे होते हैं अम्मी बाजार नहीं ले जाती, पता है क्यों? क्यों? हर आदमी को देख के कह रहा था अम्मी अब्बू है? अम्मी अब्बू। छोड़ना यार, मुझे बताती मैं गधा गाड़ी भेज देता। वैसे कुछ खाएंगी पिएंगी? कुछ नहीं सर, नहीं वो जूस जूस। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, आज ही अब्बा को 4 गलियों के गटर साफ करने का ठेका मिला है और एडवांस भी मिला है, 1000 रुपए है मेरे पास। लाओ दो, वैसे भी तुम्हारे अब्बा की कमाई हराम की कमाई है। जी? असलम। हाँ? दो जूस ले आ। बाकी पैसों का क्या करना है? तू रख ले। जी? बाद में दे दियो। सिगरेट है तेरे पास? क्यों, तेरे पास नहीं है? मेरी खत्म हो गई। अबे तो तेरे पास होती कब है? किसी हीरोइन पीने वाली औरत के बच्चे? छोड़ना यार, ये ले। कैसे याद किया है इस लांती आदमी को? सर, ये मेरी दोस्त है ना। तुम चुप रहो, मंगो पीर की मगरमच्छ। सर, वो कल्लू है ना कल्लू, वो मेरी बकरी चुरा कर ले गया, और तो और वापस करने का नाम भी नहीं ले रहा। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम आई हो? कोई शेर चोरी हुआ होता, कोई गधा चोरी हुआ होता तो मैं आपकी मदद करता, लेकिन खैर तुम्हारा काम हो जाएगा। ये ले राधे, जूस। जी सर। तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जाओ। ए, शाबाश, चलो निकलो। सर वो पैसे। निकलो निकलो, शाबाश। जाते जाते इनके 60 रुपए का पानी ले जाओ। अबे जानी। जी बॉस। कहाँ ये दोनों? बॉस वो दोनों तो राशन लेने गए हुए हैं। मुझे लगता है इनको भी शेर खान की तरह मांगने की आदत सी हो गई है। आ गया राधे मोहन, बैठो। मैंने सुना है कि तू निर्जरा की बकरी लेकर आया है। हाँ, ले जाएगा तू? ले तो जा सकता हूँ पर उठा नहीं सकता। खैर, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, ले दे के बात खत्म करते हैं। पैसे हैं तेरे पास? पैसे तो नहीं है। अच्छा तो एक काम कर, अपनी निजरा का नंबर दे। तू क्या समझा मैं इतना बेगैरत हूँ? तू मांगेगा नंबर और मैं दे दूंगा? कौन सा चाहिए, जेस का, टेलीनॉर का? जोंग का चाहिए, मेरा जोंग का पैकेज होता है।
बट्टी राधे मोहन को बकरी दे दे। अरे राधे ये बकरी है? दूर से तो ये कुत्ता दिख रहा था। तुझे तो हर चीज में अपना अब्बा नजर आता है। मुझे जानते हो? कौन है तू? राधे का दोस्त हूँ। कॉलेज की पढ़ाई, उसके बाद घर की सफाई, उसके बाद पानी भरना, कोई दिमाग ही खराब हो जाता है। कैसी हो निर्जला? तू है सर? तुम्हारी बकरी का क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है। हाँ। आप मुझे इनसे बात करने देंगे? जी सर, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या हुआ? हमारी बकरी दूध नहीं दे रही। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ओ राधे ओ, तू उसके घर जाके क्या करेगा? बारात लेके जाऊंगा। वो पागल के बच्चों, मुझे देख के शायद निर्जरा की बकरी दूध देने लग जाए। मैं माफी चाहता हूँ राधे। जिस तरीके का तेरा मुंह है ना, मुझे लगता है तू जाएगा ना, बकरी मैंगनियां भी देना बंद कर देगी। छोड़ दे यार, तुम जा। तू है सर? चलो चलो। अरे वो राधे की अम्मी? क्या? अरे वो मेरा मतलब राधे की भाभी। ये राधे कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ गए? बिगड़ कहाँ गए, अब तो सुधर गए। सुधर गया? क्या मतलब? राधे को प्यार हो गया। राधे को प्यार हो गया? जी यकीनन। फिर तो उस लड़की को भी राधे से प्यार हो गया होगा। और राधे को उससे प्यार हो गया, लेकिन हमें तो राधे से कभी प्यार नहीं हुआ। लेकिन लड़की को राधे से प्यार हो गया? किससे प्यार हो गया? वो है ना, जो अपना जमादार, उसकी बेटी निर्जला, उससे हो गया। अच्छा, वो जमादार जो कपड़े उतार के गटर की सफाई करता है? हाँ, इसकी बेटी है निर्जला, बहुत खूबसूरत लड़की है। क्या मतलब है खूबसूरत? क्या जब वो सड़कों की सफाई करती है तो परस्तान की भंगन लगती है? बस मैंने फैसला कर लिया, मैं भंगियों में ही रिश्ता करूंगी। तो अपने लिए भी बरकत मसीह ढूंढ लिया है क्या? आपको ये तारा मसीह से कम है क्या? अब छोड़ भी दो, टाई बांध रही हूँ या बकरे की गर्दन। ओके बच्चा, अल्लाह हाफिज। और आधे बाल किससे खिंचवाए? छोड़ना यार। राधे एक बात बता। पूछ। ये पाकिस्तान में समंदर कितने हैं? बहुत सारे हैं। अच्छा, नदियाँ कितनी हैं? बहुत सारी। झीले कितनी हैं? बहुत सारी। और स्विमिंग पूल? बहुत सारी। तो नाता क्यों नहीं है कुत्ते के बच्चे? छोड़ना यार। कुत्ते जैसी बदबू आती है तेरे से, मरे हुए कुत्ते जैसी। छोड़ना। राधे, दुनिया देख ली? देख ली। तो मर जा। तो राधे, निर्जरा तो तेरी हो ही जाएगी। उसकी बराबर वाली पापड़ी है ना, उससे हमारी बात लगवा दे।
मैं छोड़ना अपना काम कर यार। बबलू भाई, कल मैं और राधे यहाँ से गुजर रहे थे, रास्ते में एक फकीर मिल गया। अच्छा? मुझसे कह रहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। सही। मैंने कहा बाबा इस राधे को ले जा। फकीर क्या कह रहा है? बेटा मैंने तुझसे भीख मांगा है, भिखारी नहीं। राधे निर्जरा। वाह गोला गंदा। राधे मैं तो कह रहा हूँ जा इसके पीछे, जीत ले इसको। हाँ राधे सही कह रहा है असलम, शेर बन कुत्ता नहीं बन। राधे तू बेफिक्र है, अपन तेरी साथ है, समझे? सब तेरी साथ है, जा अपने दिल की बात कह दे। देख लो चला जा, अगर उसने अपने बाप को बोल दिया ना तो सबसे पहले गधे पे वो तुझे बिठाएगा। हाँ और मुंह तो काला मैं ही करवाऊंगा पहली फुर्सत में। और फिक्र नहीं कर, चप्पलों का हार तो मैं ही लाऊंगा। तू जा, हम तेरे साथ हैं, जा 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 रहा हूँ। जा। कैसे दोस्तों तुम लोग, ऐसे ही गई है ना? तू है सर। थैंक यू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पर मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों सर? पिछली गली का कचरा उठा लिया, मेरे दोस्तों ने ये नई बात निकाल दी। वो कहते हैं मेरा टांका फिट हो गया और दो चार दिनों में मैं भंग पीना शुरू कर दूंगा। कभी मैं सोचता हूँ के गधे की दूम खींच के भाग जाऊं और वो जोर से चिल्लाए सर ये कैसी चरसी मवालियों जैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसे तो पता चलता है कि तुम एक भंगन हो। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो ये एक हाथ है, एक हाथ ये मैं हूं, ये तुम हो, ये दोनों एक हुए। और ये मत समझना कि मैं खुश रहा हूं। एक बात बता, ये राधे इतने तालियां बजा रहा है, कहीं ये खुश रहा तो नहीं है? अबे पक्का ही खुश रहा लग रहा है मुझे तो। हाँ हमारी गली में भी आता है बाली खुश रहा, वही लग रहा है। अब तुम सोच रही होगी कि मेरे घर वाले कैसे मानेंगे, उनको मैं दो चार गालियां दूंगा वो खुद मान जाएंगे। चल यार इससे तो सुबह ही निपटेंगे। ठीक है चलो निकलते हैं यार। निकलते निकलते। अगर तुम्हारे बाप ने चरान की तो मैं उसकी धोती खींच के भाग जाऊंगा, समझी तुम? हाँ। थैंक यू। ये ले राधे। अबे इतनी सिगरेटें पीता ही है, देखना साला एक दिन मरेगा। छोड़ ना यार। राधे यार एक कशी लगवा दे। छोड़ यार। अबे राधे भूख लग रही है, गाजी पकवान से बिरयानी ला दे। अबे मैं खुद दो दिन से भूखा हूँ यार। राधे यार मुझे साइकिल सिखा दे। कोई फायदा नहीं, उसकी बार बार चैन उतर जाती है। अबे राधे बात सुन, फारिक बैठा हुआ है तो मेरी शादी करवा दे। अबे मेरी खुद की नहीं हो रही, बहुत परेशान हूँ। अबे तो किसी अच्छे हकीम को दिखा। छोड़ना यार।
अबे राधे वो देख, अबे देख तेरी जमादार नहीं। यार असलम ये इसके साथ कौन है, भाई है इसका? राधे इसका भाई भाई नहीं है, मंगेतर है इसका, मंगेतर। लो एक इंसाफ के नखरे ही खत्म नहीं होते, हर बात में गुस्सा। अबे अभी बात पक्की हुई है, शादी नहीं हुई। पागल नाराज हो जाता है यार, छोटी छोटी बातों में बच्चे जैसा दिल है यार इसका। वे असलम वो आ गया। स्टॉप नीचे, पांच बजे आऊंगा, पांच बजे। अरे ओए नीचे, अभी तेरे पांच बजाते हैं हम। इधर आ, बात सुन। ये तू धड़ पे इतना बड़ा मुंह लेके घूमता है, अबे थकता नहीं है तू? गुगल अबे कितना भयानक है अंदर से यार। ओए बात सुनो, रात को बाहर नहीं निकला कर, बच्चे डर जाएंगे। अबे वो असलम हाँ। इसको तो अल्लाह पाक गुना देगा। वो क्यों? इसने जुओं को बेघर किया है। हैं? मुझे एक बात बता हाँ। उसको जानता है कौन है वो? तेरे बहनोई लगते हैं, बहनोई। अबे किस रिश्ते में लगते हैं बहनोई? निर्जरा के रिश्ते में। साले बंगियों के एक बंगी को नहीं जानता? चल शाबाश, बहनोई के पास जा, शाबाश। सलाम अलैकुम भाई। सुन ले बे गज्जी खुसरी, एक बार ही मुंह खोलूंगा। ये मत समझना कि किसी का गटर खुला हुआ है। मेरा और निजरा का चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? ज्यादा स्याणा बनने की कोशिश मत कर। तूने अगर चरान की तो तेरी धोती में इतने फटाके फोड़ूंगा कि तुझे नानी याद आ जाएगी। चल निकल अब। भंगियों का लोटा। राधे राधे हॉस्पिटल में मरीजों के जूस पीने वाली नर्स, चलो आगे बैठो। क्यों जाऊं? इच्छा तेरे बाप का है। ओए औरतों की शेख रशीद, चल आगे बैठ। जा रही हूं बच्चों की लानते खाने वाले। निर्जरा, मैं तुम्हारे लिए मोहल्ले से एक चीज चुरा के लाया। चुरा के? हाँ। क्या?
साबुन। जब तुम इससे नहाओगी ना तो तुम में बहुत प्यारी खुशबू आएगी। मुझे नहीं चाहिए। तुम शर्मा क्यों रही हो निर्जरा? जब तुम बाथरूम में नहाओगी ना तो तुम्हारे में बहुत प्यारी खुशबू आएगी। हमारे यहाँ ये खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे यहाँ तो बर्तन धोने वाले साबुन से ही नहाया जाता है। निर्जरा, तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी के बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। निर्जरा, मैं तुम्हारे साथ गटर साफ करना चाहता हूँ। देखो सब लोग देख रहे हैं, छिचोरापन मत करो छुचुंदर के बच्चे। देखने दो, मैं देखने की ही चीज हूँ। देखो मुझे इस झाड़ू की कसम, मेरे दिल में तुम्हारे लिए शादी करने का ऐसा कोई ख्याल नहीं है, कभी भी नहीं। क्यों नहीं कर रही मुझसे शादी है? किस चीज की कमी है मुझ में सिवाय कैल्शियम के? क्या? मेरे क्या गेर फंसते हैं? मेरे क्या कागजात पूरे नहीं है? मैं क्या चावल में चर्स मिला के खाता हूँ? क्यों नहीं कर रही आखिर शादी? अरे तुम में आयोडीन के साथ साथ कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की कमी है, नेरोटीन की कमी है, हर चीज की कमी है और थोड़ी सी अकल की भी कमी है। ये ऊपर वाला भेजा तो बिल्कुल ही खाली है, दिमाग खराब। हाथ छोड़ो मेरा, लांती के बच्चे, कमर के कीड़े, फिरौन की औलाद। बॉस बॉस, राधे का चूजा। ए राधे चूजे, इधर आ, तो नजर नहीं आता। मुझे कल्लू ने मारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। तेरे जैसे मुंह होते ना उसको लेकर डॉक्टर या हकीम के पास ही जाते हैं। तू क्या समझता है हम तेरे दोस्त हैं? हैं? तेरे सारे काम करेंगे, तेरे छोटे भाई के पोतड़े धुलवाएंगे, तेरे मोहल्ले के गटर साफ करेंगे। हाँ अगर तू पकोड़े लेके आता तो हो सकता है हम तेरे पांव चूम लेते। असलम कुत्तापन मत कर। सुन लिया, कोई दोस्त नहीं है। और देखना एक दिन वो आएगी झाड़ू वाली निर्जरा, इसके हाथ में झाड़ू देके किसी और भंगी के साथ कल्टी हो जाएगी। क्या तू मुझसे बात करना? क्या हो गया? बात करना तो तुझसे क्या बात करूं? मुझसे बात करना। तेरे मुंह से तो वैसे ही प्यास की बदबू आती है। मुझसे बात करना। और जैकेट क्यों उतार रहा है? ठंड लग जाएगी। शर्म नहीं आती तुझे? पागल के बच्चे, बच्चे को मारता तू साला कमीना, हम पे जोर दिखाता है साला कमीना। नहीं तो आ जाएगा छोड़। अबे तू चुप कर, तेरी वजह से मारा है उसने मुझे, पिट के आ जाता है हर किसी से।
सॉरी यार, धूप लगा रहा हूँ। असलम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई। यार तूने ही तो कहा था कि उस जमादार की बेटी को फंसा ले, अब तू ही चरान कर रहा है। मेरी तरफ देख तो क्या है बे? काश यार तू निर्जरा होती, कितनी जल्दी मान जाता है तू। अबे फिर निर्जरा निर्जरा निर्जरा, अबे तुझे इतनी निर्जरा से मोहब्बत है तो तू उसके मोहल्ले में जाके उसकी सारी गटरी क्यों साफ नहीं करता? यार दिल तो बहुत करता है लेकिन उसके मोहल्ले वाले किसी और को बर्दाश्त ही नहीं करते। मेरा तो दिल करता है कि पूरा मोहल्ला साफ करके निर्जरा के नाम कर दूँ। छोड़ ना यार राधे, हमारी दुआ तेरे साथ है यार। चल असलम। कहाँ? तू चलना यार। कालू राधे, इसको भी। राधे, इस चूहे को भी अपनी बगल का जायका चखा। राधे, इस सांड को है ना दोनों बगले सूंगा। राधे, क्या करना है इनका? एक एक को गंदे नाले में फेंक दो। ये सही है। दे। मुझे बहुत तकलीफ हुई, उसने मुझे फिरौन का बच्चा कहा। अगर वो मुझे इब्लीस का बच्चा कहती तो मैं बुरा नहीं मनाता। बड़ी मुश्किल से साबुन चोरी करके लाया था, पड़ोसी जाग जाते हैं। एक साबुन चोरी करना कितना मुश्किल होता है। मुझे शक्ति दे महाराज।
मुझे शक्ति दे महाराज, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे महाराज, मुझे शक्ति दे। रुको, तुमसे बात करनी। हाँ बको, क्या कहना है? जो राज है ना, पंजाल का बच्चा, तुमसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, मगर मैं उस लांती से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। प्लीज तुम एक बार उससे मिल लो, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या? तुम्हारा भला क्या नुकसान हो जाएगा? वो बंजर का बच्चा मुझे यूं मुंह चढ़ाता। वो भला तुम्हें मुंह क्यों चढ़ाएगा? वो मुझे कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल में मेरी जगह की तस्वीर दिखाई देती है। क्या? प्लीज एक बार मिल लो। अंधा है, झूठ कहता है। मेरी सूरत तुमसे मिलती है? पहले तो वो इंतहाई मनहूस था, अब तो अंधा खबीज भी हो गया। प्लीज एक बार मिल लो, वरना मेरा कमीशन पड़ जाएगा। कमीशन? कितने बगैरत मंगेतर हो तुम, दफा हो जाओ यहाँ से। निर्जरा अब तुम घर जाओ। ठीक है, ठुस कंचे। से देखो मेरी शक्ल को, लगता नहीं हूं मैं कुत्ते का बच्चा। नहीं, नहीं। और जब से मैंने सलमान खान की फिल्म देखी है, तब से ये मैं स्टाइल बना के घूम रहा हूं।
अब तो नाई भी मुझे गालियां देते हैं कि कुत्ते के बच्चे बाल तो कटवा ले। कभी मैं सोचता हूँ कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं, महीने में 2 दफ़ा बाल कटवाते हैं। इससे तो अच्छा है कि ट्रिम करवा लें, कम से कम 4 पैसे तो बचेंगे। लेकिन मैं ट्रिम नहीं करवाऊंगा, क्योंकि लोग मुझे देख के कहेंगे गंजे के बच्चे। निर्जरा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। पूरी दुनिया शादी कर रही है, हर किसी को हक है। मैं क्या दुनिया में आम लेने आया हूं? मेरा भी दिल करता है शादी करने को। हमारे भी बच्चे हों, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे जितने। हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, भाभी भैया बिनती मेरे दोस्त सब। मैं जमादार की बेटी को जिंदगी देना चाहता हूँ, और वो कीचड़ का कोफ्ता मुझसे चरान कर रहा है। अगर तुमने अब मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं चली जाओ, जाओ, चली जाओ तुम यहां से, वरना मैं तुम पर बलगम वाला थूक फेंक दूंगा। और तुम समझोगी कि 5 माला फ्लैट से तुम पर किसी ने मलाई फेंकी है। चली जाओ यहां से। मैं तुम्हारे साथ मिलके इलाके के गटर खोलना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ मिलके रोडों पे झाड़ू देना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं निर्जरा, बहुत प्यार करता हूं। चली जा। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाई। प्लीज। फंस गई।
देख कल्लू, बच्चों के सामने मत मार, मेरी भी कोई इज्जत है। तूने भी तो मेरे बच्चों को मारा था, तो तेरे को क्यों नहीं बच्चों के सामने मारूं? किस फैमिली से ताल्लुक है? कुत्ता फैमिली से। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे, इसीलिए हमने इनकी बहन का रिश्ता अपने खानदान में नहीं लिया। और मेरे वालिद साहब के क्या कहने, वो तो एक बहादुर शिकारी थे जो शेरों का शिकार करते थे, लेकिन कुत्तों से डरते थे, गीदड़ों को पकड़ते थे। डॉक्टर साहब, मैं खुद कस्टम में चर्स पीता हूँ और हम दोनों भाई बड़ी कुत्ता फारी करते हैं और एक दूसरे की कुत्ते वाली करते हैं। वेरी नाइस, इसलिए राधे के दिमाग में कीड़े पड़े हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कीड़े मरेंगे कैसे और आपके कीड़े कैसे मरे थे? ऑफ कोर्स, मेरे कीड़े तो आपको देख के ही मर गए, लेकिन राधे के लिए एक शख्स है
जिसके सामने मेडिकल साइंस भी फेल बल्कि तेल हो चुकी है। वो कौन है डॉक्टर साहब? वो एक मलंग बाबा हैं, सिगरेट वाले। अच्छा। जो कीड़े निकालने और गधे को इंसान बनाने के मास्टर हैं। डॉक्टर साहब उस मलंग बाबा की बात कर रहे हैं जो चरस पी के जो मरीजों का इलाज करता है। भाभी मैं उस मलंग साले को जानता हूँ। अच्छा? वो अपना जुम्मन नहीं है जी जी। वो इलाज करने के लिए गया था अपना। अच्छा। गधे से इंसान बनने के लिए। वो इंसान तो नहीं बना, वो ऊपर निकल गया जुम्मन। मैं मुतमईन नहीं हूँ डॉक्टर से, आप मुतमईन हो तो सही है, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, ये सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। उसका कोई मोबाइल नंबर या कोई एड्रेस है? आप राधे को कचरा कुनी में फेंकवा दें, उनकी गाड़ी आएगी, उनको उठा के ले जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, हम चलते हैं फिर। चले बेगम। भाई आपने क्या फैसला किया? राधे को उस मलंग के पागलखाने भेज रहे हो? असलम ऐसा करना जरूरी है। इस पागल राधे के काटने की वजह से बहुत सारे लोग मर सकते हैं। इससे तो अच्छा होता भाई राधे को आप गोले गंडे में जहर मिला के दे देते, कम से कम वो कुत्ते की मौत तो मरता। नहीं असलम, मैं उसको तेरी मौत मरते हुए नहीं देख सकता। मैं देख लूंगा क्योंकि मैंने नया चश्मा कल ही बनवाया है। इसका मतलब है राधे मस्त मलंग के पास रहेगा। फिर वो कहेगा मस्त मलंग चकित है, सारा दिल तन चकित है। भाई इससे तो अच्छा होता राधे को आप मुझे दे दो, मैं अपने मुर्गी के दड़बे में रखूंगा। अरे एक छटांक बाजरा ही तो खाएगा। और आप उसको मलंग के पास क्यों भेज रहे हो? अरे उसके बाल बढ़ा दो, वो खुद एक मलंग है। मैं उसको चौराहे पे बिठाऊंगा, बहुत सारी दिहाड़ी लगेगी। तू तो चुप कर, तू क्या रखेगा राधे को? तेरी तो बहन खुद उस हीरोंची के साथ भाग गई। बेगम इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये राधे के दोस्त हैं, उसकी मोहब्बत में बोल रहे हैं ऐसा। और रही बात इसकी बहन की, तो इसकी बहन तो अपनी नानी पर गई है जो एक खतरे के साथ भाग गई थी। ओ राधे राधे कुछ तो बोल, राधे ये खुदा का वास्ता है, कुछ तो बोल। राधे देख जैसा तू कहेगा ना मैं वैसा करूंगा। हम मोहल्ले की सफाई करेंगे, हम दोनों भाई चर्च के सुट्टे लगाएंगे और वहां वो मौत के कुएं पे हिजड़ों का डांस देखेंगे। राधे जैसा तू बोलेगा ना मैं तेरे लिए वही करूंगा। और वो तेरी निर्जना है ना, उसकी मोहल्ले की सफाई भी हम दोनों भाई करेंगे। राधे गधे के बच्चे कुछ तो बोल। ये क्या कह रहे हैं आप इसे? ये देखो मैं कितनी देर से राधे से बातें कर रहा हूं, ये मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। राधे मेरे भाई, राधे कुछ तो बोल, कुत्ते के बच्चे जवाब दे मेरी बात का। चले भाभी राधे को गधा गाड़ी लेने आई हुई है। असलम तू चल, लोग क्या कहेंगे कि बगैर गधे की गाड़ी खड़ी है। नहीं भाई आपको भी चलना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी दो गधों की है। गोल्डी कैप्शन मारवन 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 गोल्डी कैप्शन मारवन मारवन मारवन।
कुलदीप कैप्टन मारवन कुलदीप कैप्टन मारवन कुलदीप कैप्टन मारवन बाबा ओ बाबा तुम्हारी ये सिगरेटें बिक गई हो तो ये मरीज दिखा दे। क्या हुआ बच्चा इसको? ये इंसान से गधा बन गया। इंसान बन जाएगा बच्चा, टेंशन मत ले। तू गोल्डीप वाले बाबा के पास आया। गोल्डीप कैप्टन मारवन 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 गोल्डीप कैप्टन मारवन 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 मारवन। हाँ बच्चा, निर्जरा का कीड़ा है बाबा, उस भंगन का कीड़ा मर जाएगा बच्चा, लिटाओ इसे। मैं बाबा को कैसे पता वो भंगन है? बहुत पहुंचे हुए बाबा है, तू अपने घर का एड्रेस बदला, पहुंच जाएंगे। हाँ बच्चा। क्या फायदा, बाबा घर पर पहुंचेंगे, अब वो अकेले होंगे। गोल्डीप कैप्टन मारवन 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 गोल्डीप कैप्टन मारवन 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 गोल्डीप कैप्टन। बाबा तब तक डांस करवाते रहोगे, एक गोल्डी भी पिला दो। चुप कर जा बच्चा, जला के भस्म कर दूंगा। अबे रहने दे भाई, सारी केटू की सिगरेट है, गला खराब होगा। गोल्डीप कैप्टन मारवन 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 गोल्डीप कैप्टन मारवन 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 गोल्डीप कैप्टन मारवन मारवन मारवन। अबे बबलू, हाँ भाई। अबे राधे होश में आ गया। अरे हाँ यार, देखा बच्चा, आ गया होश में। ये कोई आम बाबा नहीं, गोल्डी वाले बाबा हैं। गोल्डीप कैप्टन मारवन 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 आ गया होश में। मुझे राधे से मिलने पागल खाने जाना है। अब क्या फायदा, अब तो पागल हो गया। हाँ तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी ना उससे मिलने। नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मेरे को मुंह चढ़ाता है। तेरा भला कौन सा इतना अच्छा मुंह है, जो वो मुंह चढ़ाता है तो तुझे बुरा लग जाएगा। ले चलना मुझे। नहीं भाई नहीं। देख प्लीज ले चल मुझे, सिर्फ एक बार, आखिरी बार। एक बार? हाँ। तो एक काम कर, सुबह 11 बजे कल
आऊंगा तो हाँ कल 11 बजे तेरे को लेने आऊंगा। ठीक है तो कल हम 11 बजे पागलखाने राधे से मिलने जा रहे हैं। हाँ हम पागलखाने राधे से मिलने जाएंगे। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है तो फिर मैं पक्का समझू? हाँ पक्का समझो। तो कल फिर 11 बजे आ जाना 11 बजे। ठीक है जाओ मुझे सोने दो। कंचे वो जाओ। अच्छा जाओ 11 बजे। 11 बजे आ जाना। देखो कैसे कुत्ते की तरह सो रहा है, क्यों तो कुछ कितना काला हो गया कि उसको कीड़े मकोड़े भी नहीं खा रहे। मुझे कहा पागल खाने में छोड़ के जा रही है उनके पीछे। चाचा कहाँ जा रहे हैं? बेटा निर्जरा को देखने जा रहा हूँ। चाचा निर्जरा तो पागल खाने गई है राधे से मिलने। मज़ेदार बिरयानी है। अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो नॉर्थ कराची में मास्टर पकवान एंड फूड सेंटर पर आएँ। पूरे पाकिस्तान से अच्छा खाना यहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि ये राधे का दावा है। एक बार ज़रूर आएँ आप भी मास्टर पकवान एंड फूड सेंटर।
ये कौन है? वो बेटा तुम्हारे मामू है? नहीं नाना है, नाना। Oh, 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 oh